आगे चलकर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे जो भी दर्शक के पॉप के फैंस हैं, यानी कोरियन पॉप के फैंस हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि हम उन्हें बीटीएस पर आज एक दिलचस्प विश्लेषण दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस विश्लेषण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं भारत के संदर्भ में भी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, एक तस्वीर कठिन परिश्रम करके देश के 135 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाने वाले किसानों की है, और दूसरी तस्वीर दक्षिण कोरिया के एक के पॉप बैंड बीटीएस की है। बीटीएस बहुत मशहूर बैंड है और भारत में भी खास तौर पर जो युवा हैं वो इस कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के बारे में जरूर जानते होंगे, और के पॉप दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर है। नए कृषि कानूनों में बदलाव के लिए किसान सड़क पर हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर यानी कोरियन पॉप को बचाने के लिए 72 वर्ष पुराने एक कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक वहां के 19 से 28 वर्ष के पुरुषों के लिए 18 महीने तक देश की सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन दक्षिण कोरिया के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस के एक सदस्य की उम्र इसी महीने 28 वर्ष होने वाली है। बीटीएस को इसका नुकसान न उठाना पड़े इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के के-पॉप स्टार्स को यह रियायत दी है कि वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं, यानी 2 साल का समय और दे दिया है। पहले 28 साल की जो मियाद थी वो थी, अब उसे 30 साल कर दिया है। यानी दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का सम्मान करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ ऊपर होना चाहिए। दक्षिण कोरिया के के-पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, सिर्फ 2 साल की। लेकिन यहाँ पर कानून को समाप्त नहीं किया गया, उन्हें कानून से ऊपर नहीं किया गया। बीटीएस के लिए 72 साल पुराने कानून में बदलाव कैसे और क्यों किया, यह हम आगे चलकर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे जो भी दर्शक के पॉप के फैंस हैं, यानी कोरियन पॉप के फैंस हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि हम उन्हें बीटीएस पर आज एक दिलचस्प विश्लेषण दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस विश्लेषण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।